केजरीवाल के डर से थर थर कांपा तानाशाह। जनता के सीएम को गिरफ्तार कर मोदी ने की सबसे बड़ी भूल। तानाशाह जब डर जाता है तो वो पुलिस के पीछे छुप जाता है। आज दिल्ली में यही हो रहा है। लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन खिसकती देखकर तानाशाह मोदी ने आखिरकार ईडी को भेजकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया। देश ने पहली बार देखा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह गिरफ्तार किया गया। अगर आज केजरीवाल भाजपा में चले जाएं, तो यही आम आदमी पार्टी पल भर में इनकी हीरो बन जाएगी। बीजेपी और मोदी की वॉशिंग मशीन में जाते ही सब साफ हो जाते हैं, चाहे वो महाभ्रष्ट नारायण राणे हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर अजीत पवार। देश के अधिकतर भ्रष्टाचारियों को मोदी ने अपनी गोद में बैठा रखा है। लेकिन मोदी को पता है कि इस देश में कोई नेता है जो उसे खुली चुनौती दे सकता है, कोई नेता है जो कट्टर ईमानदार है और उसके सामने झुकेगा नहीं, तो वो है केवल अरविंद केजरीवाल। इसी बौखलाहट में मोदी ने एड़ी चोटी एक कर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची। मगर मोदी जानता नहीं अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी से बने हैं। वो एक निडर नेता है। उन्होंने एक तानाशाह से लड़ लड़कर दिल्ली में जो काम किए हैं, वो आज तक पूरी दुनिया में कोई नेता नहीं कर पाया। इसीलिए मोदी केजरीवाल से डरता है। वो डरता है केजरीवाल के देश भर में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने से। वो समझ गया है कि जैसे जैसे केजरीवाल का विकास मॉडल देश के सामने आ रहा है, वैसे वैसे उसकी जमीन खिसकती जा रही है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सुर में प्रचंड प्रदर्शन हो रहा है। साफ है देश की जनता केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। तानाशाह उल्टी गिनती शुरू कर दे, ये दांव उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा है।